आज हम जिस तैयारी की बात करने जा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे मशहूर लापता तैयारा है। इतना मशहूर कि कई साल गुजरने के बावजूद इसकी तलाश खत्म नहीं हो सकी। इस लापता तैयारे के लिए किए जाने वाला सर्च ऑपरेशन दुनिया का महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन कहलाता है। इस बदकिस्मत तैयारे में 229 अफराद सवार थे। आज तक पता नहीं चल सका कि इस तैयारे के साथ हुआ क्या। इसके मलबे के कुछ टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन जहाज को मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं किया जा सका। ये तैयारा मलाइशियन एयरलाइंस का था। ये परवाज MH370 के नाम से मशहूर है, जिसने कोलालंपुर से 18 मार्च 2014 को चीन के लिए उड़ान भरी। वो मलाइशिया से तो उड़ गया, लेकिन आज तक चीन ना पहुंच सका। 8 मार्च 2014 की आधी रात को रात 12:42 पर इसने बहेराए जनूबी चीन की तरफ परवाज भरी। फर्स्ट ऑफिसर फारूक हामिद की उम्र 27 साल थी और ये मुकम्मल सर्टिफिकेशन से सिर्फ एक परवाज की दूरी पर थे, जबकि जहाज के मेन पायलट जहरी अहमद शाह 53 साल के थे। जहरी मलेशिया एयरलाइंस के सबसे सीनियर और मुअज्जिज पायलट्स में से एक थे। इस परवाज में अमले के 12 अफराद और 227 मुसाफिर सवार थे। जहाज में सवार ज्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक चाइना से था। परवाज के पहले 40 मिनट मामूल के थे। रात को 1:19 पर यह तैयारा मलाइशिया की फजाई हदूद के इख्तिताम के करीब पहुंचा। मलाइशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परवाज को वियतनाम जाने के लिए रेडियो किया। जहाज के मेन पायलट जाहिरी ने जवाब दिया, शब बखैर मलाइशियन 370। ये वो आखिरी राबता था जो इस परवाज के साथ हुआ। अब ये वियतनाम की फिजाई हदूद में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन तैयारे ने कभी भी वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता नहीं किया। वियतनाम की फिजाई हदूद में दाखिल होने के सिर्फ चंद सेकंड के बाद ही MH370 रडार से गायब हो गया। इसके बाद इस तैयारे से राबता करने की कई कोशिशें की गयी, लेकिन तमाम नाकाम रही। कहा जाता है कि अगर मुसाफिर तैयारा रडार से गायब हो जाए तो भी काबिले रिसाई होता है, इन्हें ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गायब था और इसको रडार पर भी ट्रैक नहीं किया जा सका। प्राइमरी रडार के डेटा से पता चला कि MH370 ने वियतनाम की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद बाईं तरफ तेज मोड़ लिया और जनूब मगरबी सिमत में वापिस जाने लगी। रडार से लापता होने के बाद इस परवाज ने 6 घंटों तक उड़ान जारी रखी। ये इस दौरान बार बार बहरे हिंद के जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से राबता कायम करती और तोड़ती रही। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लिप्स का डेटा उस तरफ इशारा करता है कि ये बहेरा इंडमान तक पहुंचने के बाद जनूब की तरफ मुड़ गई। घंटों तक ये फ्लाइट सीधी उड़ती रही, यहां तक कि इसका ईंधन खत्म हो गया, जिसके बाद ये जनूबी बहरे हिंद में जा गिरी। कहा जाता है कि ये कहीं जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका के दरमियान गिरी होगी। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मुमकिन तौर पर इस परवाज के मेन पायलट जाहिरी ने ही इसको जानबूझकर गिराया। जहाज को गिराने से पहले उसने कैबिन की सारी ऑक्सीजन को खत्म कर दिया होगा, जिससे तमाम लोग परवाज गिरने से कई घंटे पहले ही मर चुके होंगे, लेकिन ये वाजिया नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। जहाज गिरने के बाद कई मुल्कों ने इसकी तलाश का काम शुरू किया। खलीज थाईलैंड और बहिराए जनूबी चीन में इसकी तलाश शुरू हुई। यहीं से इसका आखिरी सिग्नल मिला था। फौजी रडार पर नई लोकेशन पता चली तो तलाश को जल्द ही आबनाए मलाका और बहिराए इंडमान तक बढ़ा दिया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तजिये से ये नतीजा अक्स किया गया कि परवाज कम अज कम सुबह 8:19 तक उड़ती रही। ऑस्ट्रेलिया ने 17 मार्च को इस परवाज के मलबे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 24 मार्च को मलाइशिया की हुकूमत ने नोट किया कि जहां इसका मलबा या फ्लाइट गिरी है वो मुमकिन तौर पर एयरपोर्ट से बहुत दूर था, जिसके बाद कहा गया कि ये परवाज जनूबी बहरे हिंद में ही कहीं गिरी होगी और इसका मलबा समंदर की तह में पड़ा होगा। अक्टूबर 2014 से जनवरी 2017 तक तकरीबन 1800 किलोमीटर के समंदरी फर्श की छानबीन की गई, लेकिन तैयारे का कोई सबूत नहीं मिला। तैयारे का पहला सुराग 29 जुलाई 2015 को मिला। इसके मलबे के कई टुकड़े अफ्रीकी ममालिक के साहिलों पर मिले। मलाइशिया ने अक्टूबर 2017 में इस तैयारे के लापता होने के हवाले से एक बड़ी हैरतअंगेज रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के गायब होने से पहले ना तो अमले ने और ना ही हवाई जहाज के कम्युनिकेशन ने कोई परेशानी का सिग्नल, खराब मौसम के इशारे या तकनीकी मिसाइल की इत्तला दी। इस जहाज में 2 मुसाफिर ऐसे भी बैठे हुए थे जो चोरी शुदा पासपोर्ट
पर सफर कर रहे थे। चोरी शुदा पासपोर्ट पर सफर करने वाले दो मुसाफिरों से मुकम्मल तफ्तीश की गई, लेकिन उन्हें मुश्ताबे करार देकर फाइल बंद कर दी गई। मलेशिया की पुलिस ने जहाज में बैठे हुए तमाम मुसाफिरों को भी क्लियर कर दिया। अब शक था तो सिर्फ एक ही शख्स पर, और वो था जहाज का कप्तान या मेन पायलट ज़ाहरी। इस लापता तैयारे को ढूंढने के लिए किए जाने वाला सर्च ऑपरेशन दुनिया का महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन कहलाता है। इसकी तलाश में 2014 में रोजाना $800,000 खर्च किए जा रहे थे। मलेशियन हुकाम के मुताबिक इसकी तलाश में अब तक तकरीबन $112 मिलियन की लागत आई। ऑस्ट्रेलवी हुकाम का तो कहना है कि इसकी तलाश की मजमूई लागत $200 मिलियन से भी ज्यादा थी। ये तारीख का दूसरा सबसे मोहलिक तैयारा हादसा था, जिसमें 239 लोगों की जाने गयी। मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों ने इस तैयारे के मलबे की तलाश के लिए 2017 में अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ माहिरीन इंफरादी तौर पर आज भी इस तैयारे को तलाश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए, और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।